नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माय नेम इज़ अंकुर एंड आप देख रहे हैं भूतो यात्रा। आज यार अगेन छोटी सी ट्रिप पे निकला हूँ, कोई बड़ा ट्रिप नहीं है बट छोटा सा ट्रिप है, 50 एक तरफ का 50 किलोमीटर। और मैंने जो रोड लिया है वडोदरा से दबोई की तरफ जो रोड जाता है उस रोड से होते हुए जा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी लोकेशन बताई है जैसा मैंने कि गूगल मैप पे सर्च करके देखा है उसके बाद में। बाकी आगे मिलता हूँ, कुछ अच्छा दिखता है तो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से जो है छोटी सी रोड है एक, जहाँ से अपने को राइट टर्न करना है। मैंने वडोदरा से जो है ना 2 से 3 रास्ते देखे थे इस लोकेशन पे आने के लिए। ये वाला रास्ता ले लेते, थोड़ा सा लंबा था तो मतलब लंबे रास्ते से चलेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा बाइक चलाने में मज़ा आएगा। बहुत दिन हो गए बाइक चलाए हुए ढंग से यार। विंड ब्लास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है अभी इस तरफ, वेदर मौसम जो है बारिश का हो रखा है इस वजह से। छोटी सी रोड है, शानदार चारों तरफ कितनी बढ़िया जो है ना ग्रीनरी हो रखी है। ओए होए क्या ऐसे रास्तों पे ना बाइक चलाने में सबसे ज्यादा मेरे को मजा आता है। मतलब हाईवे पे तो कंटिन्यूसली स्पीड पे चलते रहते हो तो ना बोर हो जाते हो। अभी जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ, ये वाला रास्ता देखो यार, दोनों तरफ पेड़, कितना बढ़िया लग रहा है। देवरनी मढ़ी करके जो है ये जगह है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। और वडोदरा से सिटी से 50-55 किलोमीटर के आसपास ये लोकेशन है। और वहाँ पे आपको प्रॉपर जो है बीच है, मतलब बीच काइंड ऑफ अ थिंग है। और जो रिवर है उसका डेप्थ जो है वो बहुत कम है, वहाँ पे 2-3 फीट के आसपास ही है। तो कुछ इस तरह की लोकेशन है। तो एग्जैक्ट पहुँचते हैं वहाँ पे, लोकेशन पे जाके देखने में पता चलेगा कि कैसी है। यार आगे वाली लोकेशन तो काफ़ी, अभी तो आई थिंक 20 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन यार ये जो लोकेशन है ना, मुझे तो इन रास्तों को देख के ही मज़ा आ रहा है। कितने सारे खेत हैं यार। केले के पेड़ देख के आएंगे अपन। कांटे बहुत सारे हैं, मतलब बबूल है। गुजरात में भी बबूल होती है। वैसे यहाँ पे जो है ना पेड़ पौधे मुझे इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखे एज़ कम्पेयर टू राजस्थान और यहाँ पे। और ये लो जी केले का खेत में आ गए हम, और ये केले लगे हुए हैं। पहली बार मैंने केले का खेत देखा है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाया हुआ है और बहुत सारे केले लगे हुए हैं। बढ़िया है, और हमें जो है ना यहाँ पे केले बढ़िया है ना, केले का जो है एक पेड़ टूटा हुआ मिल गया तो हमने उसके केले ले लिए। और ये सारे पके हुए हैं क्योंकि केला जो है पेड़ पे पकता नहीं है कभी भी, वो नीचे ही पकता है। तो ये हमें देख गए तो हमने निकाल लिए इससे कुछ केले कि आगे नाश्ता करने काम आ जाएंगे। लाइफ में पहली बार मैंने तो इतने केले देखे हैं। बहुत मन था कि केले के खेत में जाके आऊँ, एक बार देखूं कैसा होते हैं केले, कैसे लगते हैं। खैर पेड़ से तोड़ के आप केले नहीं खा सकते क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ से छोटे छोटे केले लगे हुए हैं। अच्छा है लेकिन यार यहाँ पे
वो मेरी बाइक खड़ी है, ये बच्चे जो आ रहे थे इनसे मैंने पूछ लिया था कि भाई केले ले लें क्या, थोड़े से केले देख लें क्या, देखने गए तो केले भी मिल गए। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर बचे हैं अभी पहुंचने में, नज़ारे इन्हीं को देखने में मज़ा आ रहा है। अगर आप इधर आते हैं ना तो आपको इन चीज़ों को देखने में, यहाँ पे ड्राइव करने या राइड करने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अभी जो है विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा है। ये जो एक्सपल्स है ना यार, ये बाइक दो लोगों के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं पीछे पिलियन भी है तो अभी हम दो लोग हैं बाइक पर, लेकिन दो लोगों के लायक ये बाइक बिल्कुल भी नहीं है। ये बाइक जो है सिंगल आदमी के लिए और उसका सामान, बस उसके लिए जो है ये परफेक्ट है। बाकी अगर आप दो लोग इस बाइक पे आएंगे तो आपको राइड करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। दिवेर गांव तो यही है। सो एग्जैक्ट जो लोकेशन है, दिवेर मड़ी यही लोकेशन है और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ही है। 1.5 किलोमीटर दूर ही आगे जाके जो है नदी आ जाएगी। एंड चक्कर ये हो गया कि कब लोगों की यहाँ पर डूबे पानी में, 10-12 तारीख को जो है दो लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई, तो इस वजह से जो है काका ने हमें भी जाने के लिए मना कर दिया। तो कुछ ऐसा सीन हो रखा है अभी जाने के लिए, तो अलाउ तो नहीं है जाने का। लेकिन एक और जगह बताइए मालसर करके, वहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो चलो लगाते हैं गूगल पे मैप, बैठ निकलते हैं फिर वहाँ के लिए। चलो काका, बना लिया आपका भी वीडियो, इसको YouTube पे सर्च करोगे तो आ जाएगा आपका वीडियो भी। ये लो, स्टार्ट ही नहीं किया मैंने तो। चलो देखते हैं मालसर भी वहाँ से कुछ करके जगह आएगी। नौ किलोमीटर है तो इतना और सही, जब इतना आगे 50 किलोमीटर तो 9 किलोमीटर और सही, एटलीस्ट पानी के पास तो जाके आए। तो चलिए सीधा आपको जो है, अब रास्ता तो क्या ही दिखाना, तो सीधा मालसर पहुंच के ही फिर आपको मैं वहाँ मिलते हैं। अब यार ये जो लोकेशन है, इन जगह लोकेशन पे लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आप पानी पे आ रहे हो तो अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में होनी चाहिए। अब किसी और की गलती की वजह से, मतलब किसी दो लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है, तो उस वजह से जो है गवर्नमेंट ने जो है बंद कर दिया और वहाँ पे दो पुलिस वाले तैनात कर दिए हैं कि अब वहाँ पे किसी और को आने नहीं देना है। तो कुछ ऐसा जो है यहाँ पे सीन हो रखा है, तो अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा सावधानी भी जो है ज़रूर रखें यार। यहाँ आने के बाद में ऑफ रोडिंग भी होगी बहुत बढ़िया वाली। रोड जो है जेसीबी वालों ने सारी खोद दी। बेटर है, बेटर है, बेटर है। ये वाली जो रोड है थोड़ी सी टायर के लिए तो हार्मफुल है, टायर को काट ना दें, बट क्या करें, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी। इस एक राइड पे सारे मजे आ गए आज तो। सेकंड गियर में तो उठती ही नहीं है। चलो यार थोड़ा फिर भी ठीक है, निकल जाएगी बाइक।
ट्रोलर ने रोड़ियों को दबा दिया है। ऑफ रोडिंग का मजा है लेकिन इस बाइक पे यार। सस्पेंशन की जो स्मूथनेस है वो यहीं पर आकर दिखती है। चलो ढूंढते ढूंढते आए तो कुछ तो मिला। देवरनी मड़ी तो नहीं जा पाए लेकिन यहाँ पे जरूर आ गए। देखो बाइक कहाँ तक जाती है। सो बाइक की पार्किंग की जो लोकेशन है वो इधर तो चली जाएगी। अपनी बाइक को तो कोई दिक्कत नहीं जाने में। ओहो ऑफ रोडिंग करने का मज़ा ही इधर है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जो है बोटिंग भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी करने को, कि आप यहाँ पे आएँ और बोटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अगर मुझे पता चला तो मैं पूछ के बता दूंगा एक बार कि कितने चार्ज लेते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ बोटिंग पे क्योंकि अकेला आदमी क्या करेगा बोट पे बैठ के। यार मैं काफ़ी बार बैठा हूँ पर इतना मेरा मूड नहीं है बोटिंग करने का। तो सो काफ़ी अच्छी लोकेशन है और सो ये मालसर करके जगह है और यहाँ पे जो देवरनी मड़ी करके थी वहाँ पे तो हम जा नहीं पाए। सो यहाँ पे आगे मे बी शायद नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ जाने की ट्राई करूँगा फैमिली के साथ में, और अगर पॉसिबल हो पाया तो कहीं ना कहीं जो इस लोकेशन पे या फिर उस लोकेशन पे जो ना एक बार नाइट कैंपिंग ज़रूर करेंगे बॉनफायर के साथ में, तो उसका भी ट्राई करके देखूँगा। बाकी काफ़ी देर से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और काफ़ी शांत मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी और बहुत तेज़ हवा चल रही है। सो मज़ा ही आ गया यहाँ पर बैठने के बाद में एंड काफ़ी सही फील आया। बाकी यार ना थोड़ा सा पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग, बाग जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे ना ये कचरा वगैरह जो है यहाँ पे ऐसे गिरा रहता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि यार आप कचरा वगैरह लेके आए तो एटलीस्ट उसको साथ में लेके चले जाएँ। चारों तरफ जो है कचरे कचरा पड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा गंदा लगता है। रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि आप आएँ तो अपना कचरा वापस साथ में लेके जाएँ। फिर इसी के साथ में फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ ही में जो है ना बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए एंड इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलता हूँ उससे मेरे एक और नए वीडियो में।